जीतने की 100% उम्मीद है कि 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की जब जो कुटी मिल रही है उसके लिए कुछ लोन वगैरह नहीं ली अपन? क्यों नहीं लिया आपने? जगह नहीं घर बना। लेकिन हम मंडी में और भी लोगों से मिले थे, उन्होंने बोला कि 125 रुपया बोनस भी मिल रहा हो। नहीं, हम भी किसान ही है ना, इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं, कोई बोनस नहीं है। सरकार जाते हैं नगर पालिका, वहाँ पे कहते थे ले आओ 5-10 हजार रिश्वत दो जब काम होगा। दोनों पार्टी कहती कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, गाँव में जब कहते ये हाथ काटे तो जांच ना हो कलांच, ये दो ही पाँव कटे या दो यहाँ का फूटे तो बीमा मिलते, कहीं बीमा भी ऐसा नहीं मिले कहीं ये लाए। क्या कारण है उनका, जो उनका आपको लग रहा है कि पड़ला भारी है? वो सर इसलिए क्योंकि बीजेपी के लिए थोड़ी ज्यादा है और उन लोगों ने काम भी अच्छे करा। भी योजनाएं निकाली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, निकाली है योजना रेगुलर रहेगी और बराबर बहनों को इस योजना का लाभ मिलता रहे। भाई बीजेपी तो छा ही रही है, भगवा में छाया हुआ है देश पूरा, भगवा में एरिया है और कुछ नहीं है। 10 साल की सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में सर 8 देंगे अभी मिनिमम। आज हमें मंडीदीप लोकसभा क्षेत्र में जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, हम आज इस लोकसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे उनके बारे में, पब्लिक की राय क्या सोचती है जनता उनके बारे में, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके विचार जानेंगे, कितनी कड़ी टक्कर देंगे वो अपने निकटतम प्रत्याशी को या कितनी लीड से वो जीतेंगे, इस बारे में हम जनता से उनकी राय लेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। तो राय आइए उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोनू चौक। सुनो भाई, आप यही मंडीदीप के रहने वाले हैं? लोकल प्रॉपर मंडीदीप। क्या चल रहा है आपके इधर माहौल, चुनाव का आपको क्या लग रहा है, क्या आपके इधर किसका पल्ला ज्यादा भारी लग रहा है? हमारे यहाँ तो हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, हमें कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है। कांग्रेस के कैंडिडेट से आपको मतलब लग रहा है कि कांग्रेस को शिवराज सिंह को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसा क्या, ऐसे उनके व्यक्तित्व में क्या खूबियां दिख रही हैं? पहले भी वो अपने विदिशा से सांसद रह चुके हैं, पहले भी उनने कई अच्छे काम करे हैं, इसलिए लग रहा है कि वो टक्कर दे सकते हैं और जीत रहे हैं वैसे तो। तो आपको लग रहा है कितने वोटों के अंतर से वो जीतेंगे? अगर मान लीजिए जैसे अपन जीत का अंतर भी मानेंगे तो 1 लाख वोट से ऊपर जीत रहे हैं वो, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन उनके अगेंस्ट में, उनके अपोजिशन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान की छवि उनके ऊपर कोई भारी बैठेगी या वो इतनी टक्कर दे पाएंगे? उन्हें टक्कर तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो भी सीनियर रह चुके हैं और वो पहले भी विदिशा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी तो कुछ काम किया है जब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं डबल से। काफी लंबे समय के बाद वो फिर से सक्रिय हुए हैं चुनाव के बीच में, मतलब लोकसभा चुनाव में काफी लंबा 30 साल के अंतराल के बाद लगभग वो फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उनको भरोसा करा पार्टी ने? पार्टी ने उनमें कुछ खूबियां देखी होंगी जब तो उन पे भरोसा करा। जीतने की 100% उम्मीद है कि 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। मंडीदीप के विकास के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे कि वो जब जीतेंगे तो मंडीदीप में क्या जरूरतें हैं जो मंडीदीप में विकास की नदियां बहेंगी जब वो जीतेंगे? जब अभी जैसे अगर अपन शिवराज सिंह चौहान जी की छवि को अगर एक तरफ रखते हुए भी उनके बारे में सोचें तो इतने लंबे अंतराल तक वो राजनीति से क्यों दूर रहे? इतने लंबे अंतराल से राजनीति से दूर नहीं रहे, राजनीति में बराबर रहे, मगर उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, यही चीजें रही है। बाकी राजनीति के अंदर रहे, वो राजनीति से दूर कब रहे बताइए आप? आपको यहाँ पर, आप यहाँ रहते हैं, आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है जो कोई जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना या उनके कुटी योजना या किसी प्रकार का कोई? हमें तो आज तक कोई सुविधा नहीं मिली बीजेपी गवर्नमेंट में। किस टाइप की सुविधा नहीं मिली? जैसे राशन कार्ड वगैरह? राशन कार्ड नहीं है अपना, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली, जो चीज मिलती है दूसरे लोगों को वो चीज नहीं है। अन्न योजना तक की हमें फीस भर भर के पढ़ाना पड़ता है। क्या तो आपने कहीं सरकारी योजना के लिए कोशिश नहीं करी, आवेदन नहीं करा? करते हैं साहब, सरकार जाते हैं नगर पालिका, वहाँ पे कहते थे ले आओ 5-10 हजार रिश्वत दो जब काम होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि रिश्वत मांग रहे हैं उसी की वजह से काम रोक रहा है आपका, या आपके कागज हो सकता है कंप्लीट ना हो या कोई और कारण? बनाने वाले भी तो वही लोग हैं ना, कागज ही नहीं बनाएंगे तो काम कैसे होगा? अच्छा, तो आपको किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता या सरकारी नहीं मिला आज तक? जो बोलते हैं कि लाडली बहना योजना, हमारी मिसेज का फार्म तक तो भरा है नहीं, लाडली बहना योजना कौन को दे रहे हैं ये भी नहीं पता। तो क्यों आपका लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें कुछ काम? बोलते हैं कि आपके नाम पे कार है, आपके नाम पे ये वो है, उनको नहीं मिलेगा। तो ये तो योजना के नियमों में शामिल है ना कि देखिए, तो कह रही है ना हम तो सभी बहनों को देंगे, नारी सम्मान योजना देंगे। देखिए अभी उन्होंने सिर्फ वादा करा है लेकिन उसकी नियमावली नहीं आई है। जब जिस दिन कांग्रेस बैठेगी, गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस की, जब ना वो करेगी, जेब से ला के थोड़ी ना देगी कांग्रेस अपने घर से कि लो बहनों ले जाओ।
वही बात है ना, हो सकता है जब वो नियम लागू करेंगे तभी बोलेंगे कि साहब आपके पास कार है आपको। बीजेपी वाले माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए चाहे सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर मोहन यादव भी अपने घरों से लाके दे रहे हैं क्या, ये भी तो सरकार का पैसा, सरकार का ही पैसा। जब जिस दिन कांग्रेस बैठेगी उस दिन कांग्रेस भी देगी। अगर मान लीजिए हमारे सांसद जी का कहना है हम 8,500 रुपए महीना देंगे, ये क्या दे रहे हैं 1,500 रुपए 1,200 रुपए महीना दे रहे हैं। सांसद जी जिस दिन बैठेंगे उस दिन बिठा लो उनको, हम तो कहते हैं लो 8,500 रुपए महीना देंगे वो भी। लेकिन ये योजना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दे रहे हैं ना आपको, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दे रहे हैं तो भाई केंद्र में जब डबल इंजन की सरकार वो चला रहे हैं, डबल इंजन सरकार यहाँ चलेगी वो तो 8.5 की बोल रहे हैं, 16.5 भी दे सकते हैं वो तो। आपको लगता है कि 8,500 रुपए का बजट सरकार के पास पॉसिबल है किसी एक हर एक महिला? देखिए ये इनके पास पॉसिबल है क्या ये 1,500 रुपए दे रहे हैं? अभी अभी सरकार कांग्रेस भी तो बोल रही है इस बात को कि उनके पास सरकार के पास बजट नहीं है तो कब तक देंगे, तो ऐसे अगर कांग्रेस के पास भी बजट नहीं आएगा तो कांग्रेस कहाँ से पैसा देगा? साहब बजट तो कहीं से नहीं आता, अभी इनने 300 रुपए घटाए सिलेंडर के, ये चुनाव खत्म होने के बाद में यही सिलेंडर 1600 का मिलेगा आप तो। अभी हम मैं बोल रहा हूँ ये चीज आप आगे चल के देख लेना, ये निकालेंगे अपन लोगों से, ये तो सिर्फ फालतू की योजना है, चुनाव आए 4 महीने की योजना निकाल दी, वोट बैंक बना रहे हैं। तो आपको लग रहा है चुनाव खत्म होने के बाद योजनाओं में फेरबदल बंद हो जाएगी जो बहनों को पैसे देने का वादा जो कर रहे हैं नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिल रहा और अभी आने वाले समय में बंद हो जाएगा, ये आचार संहिता लगी जब से बंद है और उन्होंने कह दिया आचार संहिता के बाद टोटल बंद है। चलिए हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे पुष्पा जी ने हमसे बोला है कि भाई सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, हम इस विषय में और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मनीष जैन। मनीष जी आप यहीं के रहने वाले? मैं तो भोपाल में रहता हूँ। अच्छा भोपाल में रहते हैं आप, क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव के हिसाब से आपको क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनने से? वो सरकार तो बीजेपी की बनेगी यार। आपके क्षेत्र से आप भोपाल में वोटर, आप मतदाता भोपाल में, आपके इधर आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, किसका पक्ष आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है? आलोक शर्मा के लग रही है, वो आलोक सेना तो अभी आए हैं, आलोक शर्मा पुराने हैं, कोई जीत सकते हैं। आपको सरकार की कोई ऐसी योजना जो आपको लग रहा है कि उन्हें पब्लिक के लिए जनता के लिए बहुत अच्छी चलाई? सब योजनाएं ठीक है वो पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक कोई कर रही है और क्या, सब महंगाई जो कितनी बढ़ती जा रही है, हर चीज कितनी महंगी है। महंगाई बढ़ रही है तो फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार आती है तो इस चीज में कंट्रोल होगा? अब वो उनकी सरकार पहले थी तो था थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं था जितना इनकी सरकार में, जो इतना महंगाई जो बढ़ी है वो उस टाइम कहाँ थी, उस टाइम जो चीज अपन ने 3 रुपए में खरीदी थी आज वो 10 रुपए की भी तो हो गई ना। वही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जैसे आपने प्रॉपर्टी अगर उस टाइम 50,000 में खरीदी थी तो आज वो 5 लाख की भी तो हो गई ना, इसके भी तो पैसे बढ़े ना। सोना आपने 20,000 खरीदा था, आज 75,000 हो गया, मगर वो इन्हें रेट बहुत बढ़ाए हैं। देखिए सरकार रेट नहीं बढ़ाती, सरकार के रेट बढ़ाने के कुछ तरीके अलग होते हैं, कुछ मार्केट के वैल्यू के हिसाब से बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है सरकार जानबूझ के इन चीजों के रेट कम नहीं कर रही? हाँ देखो ना, सोना आज 75,000 हो गया, उस टाइम मालूम है मैंने 2000 में 4,000 रुपए था, 4,000 लिया था, 75,000 रुपए हो गए आज आपके सोने की वैल्यू ना। मैं अरे वैल्यू क्या बढ़ी है, आज खरीदने के लिए आप सोचो, पहले आदमी खरीद लेता था। हाँ अब तो सोना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, मगर इन लोगों ने मगर बहुत रेट हर चीज के बढ़ाए हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि सरकार इन्हीं की बनेगी? अरे लग रहा है, हम तो खुद नहीं देते, हम तो हमारे बाप दादा कह गए थे कि बीजेपी को देना। अच्छा। अब दोनों जने चले गए ऊपर, हम कांग्रेस को ही देते हैं, जब से वो गए हैं बाप दादा जो थे वो कह रहे थे कि हाँ बीजेपी को देना अपने को, और अब हमने छोड़ दिया, हम 5-10 साल से कांग्रेस को देते हैं, चाहे वो वोट खराब चाहे देते कांग्रेस को। तो आपने जैसे शुरू में बोला था, कि मैं बीजेपी को आलोक शर्मा नहीं, मैंने इसलिए बोला कि इनने उसको खड़ा करा है ना, जो पुराने ये भी कौन से सही है, कितनी बार तो हार चुके हैं। कौन आलोक शर्मा? आर्य बघेल ने कितनी बार हारा है इनको। आप आलोक शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ के? भानपुर में रहता हूँ। भानपुर के रहने वाले आप? वो भी जाएगी, काम वाम कौन करते, वो भी बड़े लोगों का काम करते, छोटे लोगों को देखते नहीं, वो तो खड़ा कर दिया है। अब जो चल रहा है ना उनका 400 सीट 800 सीट 800, देखो पता चलेगा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद, इस बातचीत का पता चलेगा 400 के पार निकलेगी क्या होता है। चलो उनसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, आइए इनसे बातचीत करते हैं। दादा राम राम, आप बताइए सरकार बन रही है आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे क्या डबल? आपका साथ जिनकी किस्मत की है जो होंगे कोई बनेगा वो तो वो ऊपर बाहर बनाएगा। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो दमदार टक्कर दे पाएंगे? नहीं हम तो ऊपर वाले देखते हैं साहब, ऊपर वाले जहाँ पे लहर होगी अच्छे खराब होंगे वो आएगा। उन्हें तो जनता की भलाई के लिए बहुत काम किया है, क्या है तो बस ईश्वर की कृपा हुई थी, कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरी हमारी कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल सही बात, समय पे वो खुद लौटा देगा
कहाँ पानी डाल रहा है, डारे में जा रहा है, वो कहाँ डाल जा रहा है। आपका कहना है कि मतलब कर्मों का फल जो मिलना है वो भोगना है तो भोगेगा, और अच्छे फल मिलना है तो राजयोग बनेंगे तो मिल जाएंगे उन्हें। अपना कोई वो नहीं है, लेकिन आप वोट डालोगे, आपके वोट की ताकत से ही तो वो जीतेंगे। वोट तो डालते भी मतलब पलट सकता है। अच्छा, हाँ वो पलट आएगा। अपन विचार करके जा रहे हैं या फूल या हाथ में देवे जा रहे हैं, जब उसकी पलटी होगी ना ऑटोमेटिक बदल देगा। ऊपर वाले की लहर कृपा होती है ये बात। आपको क्या चीज शिवराज सिंह चौहान की अच्छी लगती है कि उन्हें मुख्यमंत्री रहते कोई काम अच्छा करा? शिवराज सिंह अच्छा है और ना कांग्रेस अच्छी है, सब अच्छे हैं। मतलब शिवराज सिंह भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, नहीं आई समझ में, जो भी ये थे सब अच्छे हैं। नहीं, उन्हें किसानों के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी योजनाएं चलाई। बोले 2700 ना पीसी की बोले थे? हाँ पीसी के बोले थे चुनाव के पहले, 2700 के रेट। हाँ, और आप क्या रेट जा रहे हैं? 2400 ही। वो बोनस भी तो दे रहे हैं? कहाँ दे रहा है, नहीं 225 बोनस, कोई बोनस नहीं है। अच्छा, पर क्या भी नहीं दी, पर क्या भी नहीं दी ना। लेकिन हम मंडीदीप में और भी लोगों से मिले थे, उन्होंने बोला कि 225 बोनस भी मिल रहा हूँ। नहीं, हम भी किसान नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने आपसे। नहीं, कोई बोनस नहीं है। तो अभी आपका गेहूं कुल 2400 के भाव बिक रहा है, तो आपको लग रहा है कि उन्होंने वादा खिलाफी करी है? वो है ना, है। और ऐसे ही कांग्रेस है कि कांग्रेस ने 2500-3,00,000 कोई कचू 1,000 आदमी में 2 आदमी के मान लो बैंक शांत भाई, बाकी में का भाव कोई हिसाब नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है नहीं है सब, इसलिए हम तो एक ही जानते हैं, वो तो बोल करेगा। आपने तो मन में तय करके रखा ना अपन को किसको वोट देना है? नहीं, कोई तय नहीं है, हमारा तो समय है बताएगा, जब अंगूठा लगाएंगे जब ही पता चलेगा किसको लगेगा। कहाँ जा रही आएगी, दोनों पार्टी कहती कुछ है, होता कुछ है। अच्छा, वोट डालना आया पानी इस बार के ऊपर आ जा रहा है, और हम तो जाके रहे इस बार ऐसी जगह पहुँचाए कामयाब हो जाए। जिसको आपका वोट मिले वो जरूर जीते। सी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही थी उसमें अन्य योजना है क्या आपको मिलता है ना? मिलता भी है, वो भी थोड़ी कम होगा है, नहीं यही समझ में हो गए हैं। वो जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें कम मिल रहा है, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए भी नहीं मिल रहा है। और जो मकान के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से है वो छुट्टा है, वो छुट्टा है, कहते कुछ है मिलते कुछ है, तो उसमें तो 1,50,000-1.5 लाख तक की मिल रहा है। नहीं, 35 ही मिले हैं, 1,35,000। कौन कहता है 2.5 मिलता है? अच्छा, तो आपको मिला है मकान के लिए पैसा? मिला है 1,35। बस तो आज कम से कम सरकार ने आपको इतना पैसा तो दिया कि अपन एक छोटा सा मकान बना। वो तो फिर इतना तो सुनो, कोई पार्टी कर देगी, करती है। आप किस काम कौन अच्छे समझ रहे हैं आप? जैसे कांग्रेस की सरकार आती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार इस योजना को इस टाइप की योजना और बढ़ाई? हाँ, बंदे पहले बढ़ाए 2.5 लाख की भाई थी। हमारे गांव में 400 घर हैं, 400 घर में 3 आदमी की छूट भाई थी, जो बेबी 2 लाख, 2-2 लाख भाई। आप कौन से गाँव के रहने वाले? हम विदिशा के पास के हैं। विदिशा के पास नटेरन वगैरह से कहीं आसपास? सिरोंज नहीं, पूरब में है, गाँव ही है। तो वहाँ आपको मकान के लिए सिर्फ 3 लोगों को ही मिला है बस? नहीं नहीं, वैसे तो प्लाट बन रहे हैं। अच्छा, बन रहे हैं, नहीं है समझ में, बात नहीं है। मानो कहते कुछ है और करते कुछ है। अब आपके इधर से फिर शिवराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं, काफी टाइम बाद वो फिर से लौट के विदिशा आए हैं। तो है तो ना, गाँव जाओगे आप? वो तो आज ही जा रहे थे हम। अच्छा, ट्रेन नहीं मिली हमें पठान को, 10 बजे रात के है, कोशीनगर 7 बजे है, आप घर ही कहाँ को छोड़ रहे हैं? आराम से सो के कल जाओगे आप वोटिंग करने? तो मुकाम है, जहाँ भी बैठे हैं अपना वेर नहीं वर किया बैठे। चलो, बातचीत के लिए हमसे धन्यवाद दादा, राम राम। ये आपने कहीं से कुलजीत राव जटा, कौन खड़ा हुआ है आपके इधर बासुदा से? अब ये मालूम मुझे नहीं है कौन खड़ा हुआ है, कहा कहूँगा तो साल हो गए यहाँ। तो वोट डालने गंज बासुदा वापस जाओगे? वोट डाल भी गंज बासुदा जाओ, 7 वोट है, ताकि ट्रेन बैठ के जा रहे हैं। तो सरकार की कोई योजनाओं का फायदा मिल रहा है आपको कोई? अपन विकलांग, 600 रुपए आपको इसके विकलांग योजना के मिलते होंगे। तो आप कार्ड नहीं बना आपका इलाज के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ जो कुटी मिल रही है उसके लिए कुछ लोन वगैरह नहीं लिया? अपन क्यों नहीं लिया? आपने जगह नहीं थी, घर बना, जमीन नहीं है अपने पास, प्लाट नहीं है अपने पास, इसलिए आप रोइए मत, शांत रहिए। बिल्कुल, देखिए अपन जो भी बातचीत कर रहे हैं आपके मन की बात जानने आया, आप रोइए मत, बिल्कुल आराम से बात करिए, आप आराम से बात करिए। शिवराज सिंह आपकी साइड से चुनाव लड़ रहे हैं, इधर की साइड से, यहाँ तो आप वोट दे नहीं रहे उनकी तरफ, है ना? तो आप चुनाव खत्म होने के बाद उनके पास जाएंगे कि भाई हमको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आप उनसे बोलेंगे? बोलेंगे नहीं। भोपाल में जाओ, उनका घर है, उन्होंने लिख के रखा है मामा का घर है, आप आइए मेरे घर, सबकी समस्याओं को मैं हल करूंगा। जाएंगे अपन, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल, आप उनके पास जाइए और आप अपनी समस्याएं बताइए, आपकी समस्या का हल होगा ना, विश्वास रखिए आप। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, राम राम। लिख के
इनके 6,000 रुपये भरता है इन बीमा का। हाँ बीमा की अपन तो पॉलिसी है सब कुछ है। कौन सी कंपनी की पॉलिसी? LIC की है, लेकिन LIC को बीमा नहीं मिल पहुँची। आप LIC के बड़े दफ्तर गए थे, उनको वहाँ कंप्लेंट करी जाके? नहीं गवाब, एजेंट यहीं का रहने वाला है। एजेंट बात हो गई तो अपन ने। क्या नाम है एजेंट का? जो पतनंजी हरिजन है वो। आप उनका नाम बताइए ना, वहाँ जाके आप LIC के दफ्तर भोपाल जाइए, वहाँ पे उनसे बातचीत करिए, तो अपना मेडिकल दिखाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए। मेडिकल 60% है वो अपनो, 60% अपन ने 10,000 कलेक्टर साहब को फ्री दरखास्त लगा दे, इतने लिख के देते दे के लगे तो यहाँ चांस कटे हो, चांस पाँव कटे हो तो यहाँ का फूट जा, कहीं तब बीमा मिलता है, ऐसे बीमा नहीं मिले कहीं लगे मुँह पे लिखी दरिया पे बीमा पा रही थी। कलेक्टर साहब द्वारा लिखी मिली थी मुँह, कलेक्टर साहब को मैंने रजिस्ट्री करी, सुबह मेरे पास रजिस्ट्री लिखी दरिए बल्ले को कागज अब लाऊ आप तब घर धर्म मेरी, तो वह में जो कहते ये हाथ कटे दो चांस ना हो कलांश, ये दो ही पाँव कटे, ये दो यहाँ का फूट है तो बीमा मिलते कहीं, बीमा भी ऐसा नहीं मिले कहीं LIC। तो आपका कोई सरकार कोई दुर्घटना में आपके साथ ये सब हुआ? मेरे साथ जो लकवा मार का मौत, अच्छा लकवा से का 13 लाश, मतलब एक हाथ और एक पाँव काम नहीं करे मेरा। आयुष्मान योजना का कार्ड मिला होगा ना आपका, इलाज हुआ होगा 5,00,000 रुपए का? दरवे कार्ड में इलाज नहीं करवा, बस प्राइवेट इलाज करवा रहा हूँ गुलाबगंज, यहाँ गुलाबगंज में इलाज हो रहा हूँ अपना, अपनी दुनिया से पास होता है जनता पार्टी आई है कि किसानों को कर्जा माफ करो, किसानों को जमीन की जो मुआवजा दे रही है, फसल बीमा दे रही है, और जो गैस टंकी अब पहले जमाने में कितने 7,500 कनेक्शन मिला तो 7,500 को फ्री में 15-16 सिम कनेक्शन मिल जाते, 33 सिम मिल जाते, 4-5 हजार मिल जाते, इससे ज्यादा कनेक्शन मिल। तो आपने लिया कनेक्शन? अपन ने कनेक्शन लिया है 3,500 अपन के। उज्ज्वला योजना में जो कनेक्शन बटा है? उज्ज्वला योजना नहीं है वो, अच्छा उज्ज्वला योजना से और पहले ले लो हमने, अच्छा उज्ज्वला बाद में चल गया, इसको कनेक्शन अपन पे नहीं, लाइट ले भी मना कर दे भी नहीं। आपके घर में किसी को लाडली बहना योजना के पैसे मिलते हैं? कितने लोगों को मिलते हैं? मेरी पत्नी को। अच्छा और किसी को नहीं मिलता? और किसी को? और घर में महिलाएं जितनी उनको? बहू को नौले को नहीं है, अच्छा 23 साल की हो गई थी बाबा जी, इस बार नहीं मिली, मोड़ा गया हो जाके जो कॉलेज पास करे है वो भी माना जाके, अब नौकरी मोकरी नहीं है तो अपन धंधे को नहीं करे नहीं, जो नहीं इच्छा देगा वो तो वो अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। चलो आपकी समस्या हम बताएंगे लोगों को, और जितना संभव हो सकेगा आपकी मदद भी करेंगे ना। धन्यवाद, हमने एक दादा से बातचीत करी, उनके विचार सुने, उनको तकलीफ जहाँ तक कोशिश हो सकेगी हम उनका मार्गदर्शन करेंगे, इनके लिए कोशिश करेंगे कि उनके तकलीफ का ज्यादा से ज्यादा निराकरण हो सके। हमसे बातचीत के लिए बने रहिए, अभी और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, आइए से बातचीत करते हुए। अभी यहीं मंडी दीप के रहने जी? नहीं, नरसिंहपुर का रहने वाले, नरसिंहपुर गाडर वाला। आपके क्षेत्र में कौन खड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के? संजू शर्मा खड़े हुए हैं कांग्रेस तरफ से, और दर्शन जी हुए हैं भाजपा की तरफ। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है आपके इलाके? दर्शन जी का, बीजेपी से जी। ऐसा क्यों, क्या कारण है उनका जो उनका आपको लग रहा है कि पलड़ा भारी है? तो सर इसलिए क्योंकि बीजेपी की लहर थोड़ी ज्यादा है और उन लोगों ने काम भी अच्छे करा भी। लेकिन गेहूं के रेट जो उन्हें 2700 रुपए बोले थे वो 2700 रुपए किसानों को नहीं मिले जी, 3500 करने। अभी मैंने जस्ट पीछे जो लोगों से पूछा उनका यही कहना है कि गेहूं का शिवराज सिंह ने वादा करा था 2700 रुपए का, वो वादा उन्हें निभाया नहीं, अभी 2400 रुपए मिल रहा है। किसानी नहीं करते उनके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री जी की ऐसी कौन सी योजना है जो आपको लगता है कि जो उन्हें आम पब्लिक के लिए जनता के लाभ के लिए करी है वो बहुत अच्छी? जैसे घर बनाना, शौचालय बनाना, गरीबों लोगों को मदद है इससे, ये अच्छी योजना है। जो लाडली बहना योजना चल रही है आपके घर में किसी को चल रही है? जी मेरी मम्मी को मिलती है, मेरी भाभी को मिलती है, और मेरा भाई सुरेश कुमार त्रिवेदी, मेरा भाई खुद बीजेपी में है 10 साल से। तो आप सब यही परिवार से मंडीदीप में रहते हैं? अकेला रहते हैं। आप यहाँ अकेले रहते हो? सत्यम मोटर में जॉब करते हैं। तो बाकी परिवार आपका वहीं नरसिंहपुर में रहता है? गाँव पर रहता है मेरा भाई। आपको जो प्रधानमंत्री कुटी योजना या प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना वगैरह इनके कोई लाभ मिले हो? जी आयुष्मान कार्ड का लाभ है, अभी मेरी तबियत खराब हुई थी लगाया था, मैंने फायदा मिला मुझे, हमारे यहाँ की सरकारी अस्पताल बहुत अच्छी है। तो आपको लगता है कि जो सरकार ने योजना चलाई है वो गरीबों को उससे फायदा हो रहा है या कहीं बीच में कोई बिचौलिया वगैरह इनसे फायदा इनको इन फायदों को नहीं मिल? सर ऐसा है कि लाभ लेने वालों को लाभ मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिलता जो जानते नहीं है चीज बारे में, जो जानते उनको लाभ मिलती है, सरकार की योजना लाभ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको क्या लगता है 400 पार का जो बातचीत हो रही है वो लगेगा कि 400 पार हो जाए? तो होना चाहिए सर, हो जाना चाहिए, लग रहा है हमारे यहाँ तो सर है बीजेपी की लहर है, हो जाएगी हमारे यहाँ लहर तो मोदी जी की, बीजेपी की लहर से ज्यादा अगर अपन मोदी जी की लहर बोले तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हर जगह जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम के ही चुनाव, मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी के नाम से दर्शन सिंह जी को उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे। पंडित दीप में आप यहाँ रहते हैं, आपको लगता है शिवराज सिंह यहाँ से कितनी लगी लंबी गैप से या कितने वोटों के अंतर से जीते? सर यहाँ का मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बताना चाह रहा हुजूर विधानसभा, हुजूर विधानसभा भोपाल में जो आलोक शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि सभी विधायक और सांसद पूर्व सांसद वर्तमान से सभी अच्छे मेहनत कर रहे हैं, हर सभी पंचायतों में और सभी ग्रामों में और नगर निगम के पूरे वार्डों में एक एक वार्डों में जाके एक एक बूथों पे बैठक हुई है, शक्ति केंद्रों पे बैठक हुई है और बूथों के जो अध्यक्ष हैं हर अध्यक्षों से एक एक से बात भाई, पेज प्रभारी बने वार्ड प्रभारी के साथ, पेज प्रभारी एक एक बूथों को लेके बारीकी से गणना की गई है कि कौन सा बूथ कहाँ है, कौन सा बूथ कहाँ है, बराबर जब बैठ रहे और मान्य विधायक श्री रामेश्वर शर्मा एक एक कार्यकर्ता से पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया कैसे से क्या हुआ, योजना की सारी गणनाएं हो रही है, क्योंकि पूर्व में तो 15 साल से रेगुलर जो आ रही है, पूर्व में जो योजनाओं का लाभ ले रही है पब्लिक, चाहे तो आपका 1000 रुपए लाडली बहना योजना जो 1200 रुपए आ रही है वो, दूसरा आवास योजना, आपका शौचालय आपका आवास में जो भी है, आयुष्मान योजना है, साथ साथ कम से कम 7 योजनाओं का उन्होंने लाभ दिया अभी तक और इससे तो कम से लाखों मतलब हजारों से ऊपर की योजनाएं चल रही है और हर योजना का गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर व्यक्ति उस योजना का लाभ ले रहा है। लाडली बहना योजना का कांग्रेस के प्रचारित किया जा रहा है या अन्य दलों द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये योजना चुनाव के बाद बंद हो जाएगी या इसमें छठी हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? ये तो विधानसभा चुनाव के पहले भी यही वाली बात बोल रहे थे, विधानसभा चुनाव होने के बाद में लाडली योजना बंद हो जाएगी, अभी तक तो बंद हुई नहीं, अभी लोग बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव होने के बाद के लगे बंद हो जाएगी, तब भी बंद नहीं होगी, योजनाएं निकाली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, योजना रेगुलर रहेगी और बराबर बहनों को इस योजना का लाभ मिलता रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महिला को 8000 रुपए महीना और हर युवा को 1 लाख रुपए महीने की नौकरी का वादा किया गया है, कितनी सच्चाई आपको इस वादे में लगता है? एक अपन आर्थिक रूप से अगर इसकी थोड़ा सा आत्ममंथन करें तो आपको लगता है ये संभव है? नहीं है संभव, मध्य प्रदेश का इतना बजट है हर महीना को 8000 रुपए महीना दे पाएंगे? चुनावी ये तो लालची योजनाएं हैं, चुनाव के समय में ये सारी योजनाएं बताते हैं, पहले भी हर बार विधानसभा चुनाव के टाइम भी ये योजनाओं के लाभ दिए बताया था उन्होंने कि हम इतने का ये करा देंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई योजना तो योजना आज तक किसी प्रकार का किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला और माननीय मोदी जी के द्वारा और माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी द्वारा और मोहन यादव जी द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं मिल रही वो कांग्रेस को हो या बीजेपी को, योजना तो सबको बराबर मिल रही है, तो छोटे से लेके बड़े पद तक देख लो कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। अगर आलोक शर्मा जी की जीत के लिए अगर मन सोचे पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है तो ऐसा क्यों हो जाए? आपकी सीट 1984 से बीजेपी के पास है, फिर भी पार्टी को इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है? नहीं जोर नहीं लगाना पड़ रहा, ये तो एक लहर चल रही है मोदी जी की, जो लहर चल रही है एक लहर है, तो लहर में लगभग सभी लोग आगे दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि इसी बार जोर लगा रहा है, जोर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन लहर इतनी तेजी से चल रही है जैसे राम की लहर चल रही है, घर घर आदमी झंडा लगा है, ऐसा अभी कोई भी घर बाकी नहीं है, कोई भी छत है कच्चा मकान है छोटा मकान है बड़ा मकान है जिसपे श्री राम जी का झंडा नहीं लगा, हर घर घर झंडा लगा। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन क्या पार्टी ने इसीलिए इतना नजदीक रखा था कि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा लिया जा सके? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो राम जी का मंदिर की अगर उद्घाटन की बात को लिए जाए तो आज बरसों से बातें चल रही थी, लेकिन जब समय जिसका पूरा होता है जब समय टाइम आता है उसी समय हुआ, इसके पहले भी तो चुनाव हुए उस समय क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, जिस समय काम पूरा हो गया उसी समय उन्होंने ये रखा मंदिर का उद्घाटन। 1000 रुपए महीना हर महिला को देंगे, आपको लगता है ये योजना है या ये बहुत बड़ा जुमलेबाजी है? नहीं राहुल गांधी जी ने तो वायदे तो बहुत करे, काफी टाइम पहले भी उन्होंने वायदे करे, उन्होंने मतलब पूर्व में वायदे करे थे जो कि 15 महीने की जो सरकार बनी उस समय जो उन्होंने जो वायदे करे थे कि लगे साहब हम सारे किसानों का मुआवजा माफ करा देंगे, हम ये करेंगे, आज तक एक भी मुआवजा मेरे पास खुद 20 एकड़ जमीन है, मेरा आज तक मुआवजा माफ। अगर मान लीजिए सरकार बदलती है मध्य प्रदेश में, अगर अपन बीजेपी को एक तरफ रखें, आपको लगता है कांग्रेस में कोई ऐसा कैरेक्टर या दमदार नेता जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लायक? अभी कांग्रेस में एक भी चेहरा है, ज्योतिराज सिंधिया जी थे तो वो भी हट गए, अच्छे अच्छे नेता थे वो हटे जा रहे हैं। एक पर्सनली क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप पार्टी विशेष से जुड़े हैं, इसलिए आखिर हर कांग्रेसी को बीजेपी में आने की को पसंद आ रहा है? नहीं सच्चाई है उसमें,
कोई मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है? सच्चाई है, सच्चाई का सामना कर रहा है और उन्होंने जो बोला है करती है भारतीय जनता पार्टी, कारण यही है। नहीं तो आप बताइए, आप कितने कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में क्यों सम्मिलित हो? अभी रिसेंटली मैंने दो बड़े नाम सुने, एक सुनील सूद जो एक्स महापौर रह चुके हैं भोपाल के, और सुरेश पचौरी जी जो बहुत बड़े सीनियर लीडर थे। आपको लगता है कि इस तरह से बीजेपी में एक खेमा बन जाएगा जो कांग्रेसियों का है? देखिए, सुरेश पचौरी जी तो खुद कांग्रेस के कितने वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में पूर्व में पहले टिकट वितरण भी करते थे अपने कांग्रेस में, किसको देना है किसको नहीं देना है, कौन जिताएगा कौन नहीं जिताएगा। ऑलरेडी अब उनका ही मनोबल टूट चुका है उस पार्टी से, तो दूसरे लोगों को अपन क्या कर सकते, उम्मीद कर सकते। अरुण श्रीवास्तव जी को कितना जानते हैं? नहीं ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मतलब ना उनके विषय में, अच्छे नेता थे लेकिन सबका मनोबल टूटा हुआ। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। अभी हम जैसे बातचीत कर रहे हैं भाई साहब से, इसके बारे में जाना हमने, भोपाल लोकसभा की क्षेत्र की जानकारी भी उनसे ली, और अभी हम बहुत सी लोगों से इस बारे में मिलना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार प्रजापति। राहुल भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं, मंडी लोकल के ही हैं सर? क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है? पल्ला भारी क्या देख ही रही है, पूरा बल्ले में देख रहा है, पूरा एमपी में देख रहा है भाई। बीजेपी तो छाई रही है, भगवा में छाया हुआ है देश पूरा, भगवा में ओरिया है और कुछ नहीं है। वो मालूम है उनमें बस की नहीं है, क्योंकि नहीं है 10 की तो नहीं लेंगे बस की, समझ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको शिवराज सिंह कितने की लीड करेंगे? इंसान का पक्ष नहीं मुंह छुपा पा रहा है, अरे कहाँ जाए, दिख ही नहीं पा रहा। लीड करेंगे शिवराज सिंह चौहान? तो छोड़ दो आप, तो सीट है उनके लिए, तो सीट ही है उनके लिए। राजनीति करियर में जनार्दन मिश्रा जी ने पिछले काफी लंबे समय से कोई फील्ड वर्क नहीं किया है कांग्रेस में, अचानक पार्टी ने उनको टिकट देके साइड में फील्ड में बिठा दिया। हमारे पटेल साहब भी आए थे विधायक के लिए, शक्ल नहीं दिख रही उनकी, विधायक के लिए आए थे ना, अब दिख रहे हैं यहाँ पर राजकुमार पटेल जी, अब कोई भी नहीं दिख रही है, बस आते हैं चले जाते हैं, पर जो कार्य करेंगे वो यहाँ पर रुकेंगे, बाकी कोई किसी का वो नहीं है कि यहाँ पर नेतृत्व की यहाँ पर रुक के कोई कार्य करे। मतलब तो विकास के मुद्दे पे अपन वोट दे रहे हैं कि हम एक पार्टी विशेष की छवि देखें? छवि पहले तो हो गया था, वो विश्व में है, सब कुछ है, अपना कार्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत ये है कि बस हम इस पीछे रह गए हैं क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बस उसके अलावा हर चीज में आगे है बीजेपी सरकार। सरकार रोजगार के मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रही, ये बात आपने अभी अपने मुंह से स्वीकार करी, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या योजनाएं लाना चाहिए इससे आम व्यक्ति को रोजगार? स्टेप बाय स्टेप चलता है इंसान, उड़ के तो नहीं चले जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी, अब उन योजना दिखेगा उनको, युवा के लिए प्रति भी दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। आने वाले टाइम में बस यही चीज रहेगी, बस अपने युवा को रोजगार नहीं मिल रही है बस। 10 साल की सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में से 8 देंगे अभी मिनिमम, 2 तो छोड़ के रखेंगे, क्योंकि इसलिए छोड़ के रखेंगे, तो 10 में से 10 ही दे देंगे तो फिर सामने वाला क्या है, तो हम तो बल्लम बन गए पूरे। मिनिमम यही कि बस आगे भी वो ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे पटवा जी शिवराज जी बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी 18 सालों से रहे हैं वो, खेल नहीं है, सबकी बड़ी सरकार को चलाना। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद।